हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर जीके क्लास नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न रोड सेफ्टी जब हम रोड पे चलते हैं तो बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं तो रोड पे सेफ्टी के लिए हमारे लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं ओके ये पिक्चर देख के कुछ याद आया यस yes, हमारी पोयम थी नर्सरी में ट्रैफिक लाइट यस ना सो so, क्या थी वो पोयम रेड लाइट रेड लाइट वॉट डू यू से आई से स्टॉप स्टॉप राइट अवे येल्लो लाइट येल्लो लाइट वॉट डू यू से आई से वेट वेट राइट अवेन लाइट लाइट वॉट डू यू से आई से गवे सिग्नल की राइट right, रेड हो तो हमें स्टॉप होना चाहिए येलो हो तो वेट एंड ग्रीन हो तो हम वहां से जा सकते हैं तो ये हुई ट्रैफिक लाइट बट हम रोड पे चलते वक्त बहुत से रोड साइंस होते हैं जो हमें बताते हैं हमें आगे क्या करना है सी द फर्स्ट राइट टर्न फॉर राइट टर्न एक्सटेंड योर लेफ्ट आर्म आउट द ड्राइवर्स विंडो विथ योर बिलो बेंट एंड पॉइंट योर हैंड टू द स्काई विथ योर पार्म फेसिंग फॉरवर्ड ये साइन हमें बताता है कि अभी हमें राइट right हैंड को टर्न करना है सो so, ये किसका साइन है यस राइट टर्न सी द नेक्स्ट साइन इस पे क्या लिखा है स्टॉप देखते ही पता चल जाता है कि यहाँ पर अभी हमें स्टॉप रहना है हमें यहाँ पर खड़े रहना है रुकना है नेक्स्ट जेब्रा क्रॉसिंग अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग इज मार्क्ड बाय अल्टरनेटिंग ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स दैट रिसेम्बल द पैटर्न ऑन अ जेब्रा इट इज टाइप ऑफ पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग यूज अक्रॉस द वर्ल्ड वेन द वॉकिंग साइन इन ग्रीन लाइट अप ऑन द ट्रैफिक सिग्नल इट इंडिकेट दैट द पेडिस्ट्रियंस कैन क्रॉस द रोड यूजिंग द जेब्रा क्रॉसिंग अगर बहुत ट्रैफिक है तो हमें जेब्रा क्रॉसिंग पे से ही रोड क्रॉस करना है तो ये किसका साइन है जेब्रा क्रॉसिंग नेक्स्ट नो हॉर्न द साइन डायरेक्ट्स ड्राइवर टू रिस्पेक्ट द सालेंस जोन एंड नॉट टू यूज हॉन दिस साइन इज वेरी सिग्निफिकट इन मेजर सिटीज अगर यह साइन है तो वहां पर ड्राइवर को हॉर्न नहीं देना है इसका है यह साइन नो हॉर्न नेक्स्ट लेफ्ट टर्न दिस साइन अ लेफ्ट टर्न इज परमिटेड बट यू मस्ट इल टू ऑनकमिंग ट्राफिक अगर यह साइन है तो हमें कहाँ पर टर्न करना है लेफ्ट टर्न को

हमारे टेक्स्ट बुक में के इस पेज पर कुछ सेफ्टी टिप्स दिए गए हैं सो वी शुड ऑलवेज फॉलो द सेफ्टी रूल्स दे हेल्प्स अस टू अवॉइड एक्सीडेंट टिक द एक्शन दैट आर सेफ एंड क्रॉस द एक्शन दैट आर अनसेफ हमें क्या करना है जो एक्शन हमारे लिए सेफ है उसको टिक करना है और जो अनसेफ है उसको क्रॉस करना है सो फर्स्ट वी शुड टच ब्रोकन इलेक्ट्रिक वायर्स हमें ब्रोकन मतलब टूटी हुई इलेक्ट्रिक वायर्स को हाथ लगाना चाहिए यह हमारे लिए सेफ़ है या अनसेफ है यस yes, ये हमारे लिए अनसेफ है सो क्रॉस इट नेक्स्ट वी शुड नॉट स्टिक फिंगर्स और एनी अदर ऑब्जेक्ट इन टू इलेक्ट्रिक आउटलेट्स और सॉकेट्स हमें इलेक्ट्रिक आउटलेट्स में या सॉकेट्स में हाथ नहीं डालना चाहिए फिंगर्स नहीं डालने चाहिए तो यह हमारे सेफ्टी के लिए अच्छा है ना तो टिकट वहाँ पर टिक करो नेक्स्ट वी शुड नॉट ओवरलोड सॉकेट्स विथ प्लग्स हमने क्या करना है बहुत सारी वायर प्लग्स में नहीं डालनी है सो so, ये भी हमारे सेफ्टी के लिए अच्छा है सो टिक करना है नेवर टच एनी इलेक्ट्रिकल आइटम विथ वेट हैंड्स किसी भी इलेक्ट्रिक चीज़ को हमें गीले हाथों से नहीं छूना है तो so, ये टिप भी हमारे सेफ्टी के लिए है सो so, टिक करो नेक्स्ट ऑलवेज़ पुल कॉर्ड्स टू अनप्लग अप्लाइंसेस सपोज अगर हमने मिक्सर लगाया है उसकी वायर लगाई है तो हमें वो अनप्लग करते वक्त हमें क्या करना है ज़ोर से खींचनी है नहीं ना तो ये हमारे सेफ्टी के लिए अच्छा नहीं है ये अनसेफ है सो so, यहाँ पर क्रॉस करो ये सेफ्टी हुए सेफ्टी फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी अब हम देखेंगे सेफ्टी ऑन द रोड सो फर्स्ट वाइल वॉकिंग ऑन द रोड वी शुड ऑलवेज लुक ways। जब हम रोड से जा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए दोनों साइड को देखना चाहिए यह हमारे लिए सेफ़ है ना यस सो यहाँ पर टिक करो नेक्स्ट वी शुड गो आउट अलोन एट नाइट हमें रात को अकेले बाहर जाना चाहिए नहीं ना ये अनसेफ है सो so, यहाँ पर क्रॉस करो नेक्स्ट वी शुड नॉट यूज़ साइड वॉक्स और फुटपाथ्स वेयर अवेलेबल जब भी हम जाते हैं रोड पे से तो अगर साइडवॉक है फुटपाथ है तो हमें उसी पे से ही चलना चाहिए तो ये स्टेटमेंट हमारे लिए क्या है अनसेफ है सो क्रॉस इट नेक्स्ट वाइल वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट वी शुड स्टे क्लोज टू द पॉमेंट मतलब हम जब रोड पे से जा रहे हैं तो हमें साइडवॉक के नज़दीक से ही चलना चाहिए तो ये स्टेटमेंट हमारे लिए सेफ़ है सो so, टिक करो नेक्स्ट We should always obey the traffic rules. Traffic rules हमारे सेफ्टी के लिए ही बनाए गए हैं तो ये रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए तो ये स्टेटमेंट हमारे लिए सेफ है सो so, टिक करो Next, we should throw things out of a moving bus। हमने चलते हुए बस से कुछ भी चीजें बाहर फेंकनी है तो ये स्टेटमेंट हमारे लिए सेफ है क्या नो no. ये हमारे लिए अनसेफ है सो आप क्रॉस करना है, देन क्रॉस इट। नेक्स्ट, वी शुड रन वाइल क्रॉसिंग द रोड हमें जब हम क्रॉस कर रहे हैं रोड तो दौड़ना चाहिए यह हमारे लिए सेफ है क्या नो सो क्रॉस इट नेक्स्ट वी शुड नॉट प्ले ऑन द रोड हमें रोड पर नहीं खेलना चाहिए ये स्टेटमेंट हमारे लिए सेफ़ है तो यहाँ पर हमें क्या करना है टिक सो ऑलवेज हमें सभी ट्रैफिक रूल्स ओबे करने हैं तो आपको समझ में आया कि हमें रोड पर चलते वक्त और इलेक्ट्रिसिटी की कोई चीज़ चलाते वक्त क्या क्या चीज़ें करनी हैं सो so, समझ में आया है ना वेरी गुड थैंक यू